नमस्ते बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने एक नई क्लास लेके आई हूँ और क्लास वही हमारे पुराने टॉपिक पे है और वो है मॉडल्स। क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि क्लास को पूरा देखिए, शुरू से अंत तक कॉपी पेन लेके मेरे साथ देखिए, ताकि जो भी मैं पढ़ाऊँ वो आपकी समझ में आराम से आ सके, क्योंकि ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं मॉडल्स की। और मैंने मॉडल्स पढ़ाए थे, विल और वुड पढ़ा दिए थे। अब हमारा दूसरा मॉडल शुरू होता है कैन और कुड। कैन, अब कैन क्या चीज होती है, कहाँ काम आता है, कैसे कैसे काम आता है, तो हम देखते हैं बहुत जगह पे कैन काम आता है और कहीं कई जगहों पे हम कुड का उपयोग करते हैं। तो कैन कहाँ होता है, जहाँ हम शारीरिक योग्यता, सक्षमता, इस तरह के चीजें दर्शाते हैं। तो कैन का उपयोग होता है, एक तो इसका हिंदी अर्थ होता है सकना, ठीक है, जैसे मैं कुछ काम कर सकती हूँ, तो आई कैन डू दिस वर्क, तो यहाँ मेरी योग्यता है। तो यहाँ पर हम जहां भी, पहला उपयोग क्या है, जहां भी शारीरिक सक्षमता या मानसिक, सक्षमता आती है को दर्शाना हो, वहां क्या होता है, कैन का उपयोग होता है। जैसे फिजिकल एंड मेंटल, फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, ये तीन शब्द आते हैं। कौन कौन से, एबिलिटी, कैपेसिटी एंड तीसरा है कैपेबिलिटी। जहां पर भी ये चीजें दर्शानी हो, हम कैन का उपयोग करेंगे। अब कैसे हम वाक्य में देखें, तो आई कैन ड्राइव अ कार, मैं एक कार ड्राइव कर सकता हूं, और कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है, ये आई कैन, ये मेरी कैपेबिलिटी है, आई कैन ड्राइव अ कार, एंड कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, इसका मतलब क्या आप शारीरिक रूप से इस चीज में सक्षम है। तो बच्चों आप ये नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम अगला उपयोग देखते हैं। नोट कर लिया, चलिए अब हम कैन का दूसरा उपयोग देखते हैं, और वो है परिस्थिति जन्य। जन्य योग्यता, परिस्थिति जन्य योग्यता दर्शाने के लिए। कैसे परिस्थिति जन्य योग्यता कैसे दर्शाएंगे, कैन यू अटेंड द पार्टी इन द इवनिंग, तो ठीक है कि भाई परिस्थिति हो गई है, आर यू फ्री, तो कि अगर आप फ्री हैं, आर यू फ्री टुमारो या इन द इवनिंग सो दैट यू कैन अटेंड द पार्टी, तो कैन यू अटेंड द पार्टी या अटेंड द मीटिंग इन द इवनिंग या टुमारो। तो हम सेंटेंस लिखते हैं, कैन यू अटेंड द पार्टी इन द इवनिंग, ठीक है, शाम को आप पार्टी अटेंड कर सकते हैं, इफ यू आर फ्री, तो आर यू फ्री इन द इवनिंग, इसका मतलब ये है कि क्या आप शाम को फ्री है मीटिंग या पार्टी अटेंड करने के लिए, तो ये कैन यू अटेंड द पार्टी या मीटिंग इन द इवनिंग, ये है परिस्थिति जन्य योग्यता कि क्या आप इस योग्य है, इतना टाइम है आपके पास कि आप इस पार्टी को या मीटिंग को अटेंड कर सकें। तो बच्चों इसको नोट करो, ये हमारा दूसरा उपयोग हुआ। अब हम तीसरा देखते हैं,
WH words वाले वाक्यों में स्पीकर की पजलनेस, पजलनेस यानी कि उलझन, इम्पेशंस, इम्पेशंस मतलब अधीरता, और एंगर यानी कि गुस्सा दर्शाना हो तो दर्शाने के लिए कैन का उपयोग होता है। ठीक है, कैसे, व्हाट एल्स कैन यू डू, कि तुम इसके अलावा कर ही क्या सकते हो, यू डू तुम क्या कर सकते हो इसके अलावा। ये गुस्सा है, उलझन है, परेशानी है। हाउ कैन शी रिजाइन, वो ऐसे कैसे रिजाइन कर सकती है, वो ऐसे कैसे जॉब छोड़ सकती है। तो ये पजलनेस, इम्पेशंस, एंगर, ये सब चीजें दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे जगहों पर भी कैन का प्रयोग होता है। आप नोट कीजिए, अब हमारा चौथा उपयोग रहता है, क्या है, परिस्थिति जन्य संभावना दर्शाने के लिए। दर्शाने के लिए ठीक है, तो इसमें भी हम कैन का उपयोग करते हैं। कैसे, कि कोई ऐसी परिस्थिति जो पहले खराब थी लेकिन अब वो ठीक हो गई, तो कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं, तो यू कैन गो बाय दिस रोड। ठीक है ना, क्यों, इट इज मेंटेन्ड या रिपेयर्ड नाउ, इट इज मेंटेन्ड नाउ, तो हाँ ये भी कर सकते हैं। तो ये आप नोट कीजिए, बच्चों ये तो थे कैन के उपयोग, और अब हम यूज करेंगे कुड। कैन का ही पास्ट फॉर्म है कुड, लेकिन इसके बहुत सारे उपयोग है, तो थोड़ा ध्यान से ही कीजिएगा। अब हम करेंगे कुड। ठीक है, कुड कहाँ कहाँ यूज होता है, एक तो है फॉर मोर पोलाइटनेस, बहुत ज्यादा पोलाइटनेस दिखाने के लिए, तो हम कैसे इसको लिखेंगे, कुड यू प्लीज लेंड मी योर कार, क्या आप मुझे अपनी कार दे सकते हैं प्लीज। तो ये बहुत ज्यादा पोलाइटनेस दर्शाने के लिए हमने कुड का प्रयोग किया। फिर आप ये नोट करें, फिर मैं दूसरा बताती हूँ। फिर दूसरा प्रयोग है हमारा पास्ट एबिलिटी, मैंने कहा था पास्ट की बात, पास्ट एबिलिटी, उस वक्त में ये कर सकता था, तो उस वक्त वो चीज हमारी पास्ट एबिलिटी। तो दूसरा क्या है, पास्ट एबिलिटी दर्शाने में। ठीक है, कैसे, व्हेन आई वाज यंग, कि जब मैं यंग था, ये पास्ट है, आई कुड क्लाइंब The mountain. लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं यंग नहीं हूं, तो आई कुड क्लाइंब द माउंटेन, ये हमारी पास्ट एबिलिटी को दिखाता है। चलिए नोट कीजिए, फिर हम तीसरा देखते हैं।
तीसरा है वर्तमान के संदर्भ में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसी कंडीशन को दर्शाने के लिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई कंडीशन हो उसको दर्शाने के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। तो तीसरा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कंडीशन दर्शाने के लिए। ये भी कुड का प्रयोग होता है। अब वो कैसे होता है? कुड यू गेट अनदर जॉब, कुड यू गेट अनदर जॉब। अब इसमें कंडीशन क्या है? इफ यू लूज दिस, कि अगर तुम्हारा ये जॉब छूट जाता है Could you get another job? क्या तुम्हें मिल सकता है? तो ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बंदे के पास जॉब है, लेकिन अगर छूट जाते तो क्या तुम्हें दूसरा मिल जाएगा? वो कंडीशन दिखाने के लिए भी कुड का प्रयोग हुआ है। अब चौथा है पास्ट एबिलिटी या पास्ट की ऐसी चीज जो नहीं हुई, लेकिन अगर कुछ संभावना थी तो पास्ट संभावना को दर्शाने के लिए पास्ट एबिलिटी को दर्शाने के लिए। अब कौन सी एबिलिटी? जो नहीं हुई मतलब हकीकत हुई ही नहीं, पर अगर ऐसा हो सकता था। He could have thought the train if he would have hurried, if he had hurried, कि अगर उसने जल्दी किया होता तो he could have caught the train। नहीं मिली, लेकिन परिस्थिति क्या है? नहीं मिली, ये पास्ट की बात, हकीकत तो यही है, लेकिन अगर जल्दबाजी की होती तो ट्रेन मिल जाती। तो ये पास्ट एबिलिटी को दर्शाने के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। नोट कीजिए, अब आता है कुड एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। पास्ट फॉर्म ऑफ कैन ये आएगा कि जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैन वाले सेंटेंस और उनको हम इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं तो वहां कैन की जगह कुड आएगा। कैसे? ही सेड मी दैट ही कुड रीड द बुक, कि वो बुक पढ़ सकता था। ठीक है, he can read the book है, इसका past form क्या हो गया? He could read the book। एक ये हो गया। अब अगला उपयोग क्या है? Unreal conditions। ठीक है, unreal conditions in past form, इन पास्ट फॉर्म। कैसे? कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं मंदिर बनवा देता, हकीकत क्या है? नहीं है। तो ये अनरियल कंडीशंस है। इफ आई हैड मनी आई कुड बिल्ड अ टेंपल। Build a temple, कि मेरे पास पैसा होता तो मैं मंदिर बनवा देता, पर नहीं है, ये हकीकत है। तो ये unreal conditions को दर्शाने के लिए भी could का प्रयोग हुआ है। चलिए नोट कीजिए,
अब अगला उपयोग है पुराने समय में या पास्ट टाइम में जनरल परमिशन को शो करने के लिए, पास्ट टाइम की जनरल परमिशन दर्शाने के लिए। कैसे? कि we could use office car on Sundays। कि संडेज को हम क्या ऑफिस की कार यूज कर सकते थे, मतलब कि हमें परमिशन थी कि हम संडे को, कोई भी संडे हो, संडेज को हम ऑफिस की कार यूज करें। ये एक जनरल परमिशन थी कब? पास्ट टाइम में। आज है या नहीं है दैट इज अनदर थिंग, लेकिन ये हमारे पास्ट टाइम की बात है। तो ये एक और कुड का उपयोग है, आप नोट कीजिए। अब इसका हम लास्ट उपयोग देखते हैं कुड का। काफी सारे उपयोग हो गए हैं। जब स्पीकर क्या चाहता है, स्पीकर वांट्स अफर्मेटिव रिप्लाई या पॉजिटिव रिप्लाई। ठीक है, कैसे? किसी को पॉजिटिव आंसर चाहिए तो हम कुडंट, कुड का है साथ में नॉट है, कुडंट आई पे इन कैश, उसको आंसर यस में चाहिए। सिंपल सी चीज है, जब क्वेश्चन में नॉट है आंसर पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, कुडंट आई पे इन कैश, ये यहाँ पे स्पीकर क्या चाहता है, स्वीकारोक्ति। तो इस तरीके से ये कुड के यूज हुए। तो बच्चों आज हमने दो चीजें और पढ़ी, कैन एंड कुड। आई होप कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। थैंक यू।